फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव था पिछले सेशन में यानी फ्राइडे को, और शायद मजबूती आज भी कायम रहे क्योंकि कैबिनेट ने जो न्यू यूरिया पॉलिसी अमेंडमेंट्स हैं उसको अप्रूव किया है, और उसके तहत अब इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस के साथ साथ जो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं या फिर जो कस्टम चार्जेस होते हैं वो भी पे किए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है इस पूरे स्पेस के लिए, और साथ ही साथ जो गैस प्राइसेस जो रिवाइज हुए हैं लोअर साइड पर वो भी एक ट्रिगर करेंगे इस पूरे ही स्पेस को। गौरांग, आपकी प्रिफर्ड पिक्स क्या है फर्टिलाइजर स्पेस से? वेल, आरसीएफ पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, और उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो एसोसिएट कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है। जीएसएफसी जीएनएफसी पर भी हमारी खरीदारी की राय लंबी अवधि के नज़रिए से बरकरार है, और जो भी कंपनियां सपोर्ट करती हैं यूरिया और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियाँ, उन पर भी मेरे ख्याल से रुझान बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सीधा न्यूज़ रूम चलना होगा क्योंकि संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये समझ लेते हैं कि आज की ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और उसके बाद अभिजीत के आज के ट्रेडिंग पिक भी समझेंगे। बताया संदीप, ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कॉल आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी का फैसला सुनाया था, उसके बाद जेफरीज की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है, 1900 से घटाकर 1812 रुपये किया है उनका। उन्होंने FY19 के लिए जो EPS अनुमान है उसमें भी 6.5% की कमी करी है। उनका ये कहना है कि हाईवे पर जो लिकर बैन की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उससे कंपनी को काफ़ी नुकसान होगा, और राज्यों से मदद के बावजूद भी इनकी जो मांग है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है। CLSA ने तो इनफैक्ट बिकवाली करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि मुनाफे में आने में इस कंपनी को समय लगेगा, जो टारगेट प्राइस था पहले 2100 रुपए था, अब उसे घटाकर 1600 रुपए किया है। उनका यह कहना है कि राज्यों से हो सकता है कि कुछ मदद आए, लेकिन हाँ, स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, जिस वजह से वो बिकवाली की राय दे रहे हैं। और FY17 से 19 का जो EPS अनुमान है उसमें 17 से 28% की उन्होंने कटौती करी है। IIFL ने एड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 2250 रुपए का। उनका कहना है कि हाईवे पर जो लिकर बैन हुआ उससे Q4 की जो बिक्री है उसमें बड़ा असर देखने को मिलेगा, और FY18 एज अ होल की बात करें तो एक तो नोटबंदी हुई थी उसके बाद, और दूसरा GST लागू होना, ये दो ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस वजह से FY18 में भी इनकी जो बिक्री है उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है। लेकिन दो ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 2500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। उनका कहना है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे छोटी अवधि में असर देखने को मिलेगा, हो सकता है कि करीब 40% के आसपास की जो सेल्स है वो इम्पैक्ट हो, क्योंकि हाईवे पर इनकी जो शराब बिकती है वो जो शॉप्स हैं वो करीब 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस बैन का जो असर है 6 से 12 महीने तक भी खिंच सकता है। लेकिन हाँ, अब FY18 का EPS अनुमान 12% कम किया, लेकिन हाँ, उनको मानना है कि FY19 से जो स्थिति है वो शायद सामान्य होती हुई दिखेगी। इसी तरह से मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस दिया है वो 2900 रुपये का दिया है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कॉल आए हैं, जो जियो प्राइम मेंबरशिप के आंकड़े आए उसके बाद JP Morgan ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 1240 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि जियो प्राइम में जो ग्राहकों ने साइन अप किया है वो एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन हाँ, इन्होंने फिर से अपना जो ऑफर बढ़ाया है, जो फ्रीबीज दिए हैं, उस वजह से उन्होंने थोड़ी सी चिंता जताई उसके ऊपर। और वैसे भी उनका कहना है कि इनका जो टेलीकॉम कारोबार है अब भी शुरुआती दौर में है, तो उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। लेकिन CLSA ऑन द फ्लिप साइड बाय रेटिंग बरकरार रखे हैं, 1500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि उनको 5 करोड़ ग्राहकों के साइन अप करने की उम्मीद थी, करीब 7.25 करोड़ ग्राहकों ने सब्सक्राइब किया है इनका जियो प्राइम ऑफर, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। और वैसे भी उनका यह कहना है कि ग्राहकों का रिस्पॉन्स आने में थोड़ी सी देरी थी, लास्ट मोमेंट पर रिस्पॉन्स आए, यही कारण है कि कंपनी ने अपना जो ऑफर है उसे 3 महीने के लिए बढ़ाया। और उनका मानना है मार्च 2018 तक जो ग्राहकों की संख्या है वो 10 करोड़ के पार भी हो सकती है, जिससे FY18 और 19 दोनों के जो EPS हैं उसमें अपग्रेड्स आ सकते हैं, और जिससे कंपनी के शेयर की एक रीरेटिंग की संभावना बनती है, जिस वजह से बाय कॉल मेंटेन किया है और 1500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1500 का टारगेट अभी भी रिलायंस पे बना हुआ है, हालांकि जो न्यूज़ फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रोकर हाउसेस कह रहे हैं 1500 का टारगेट है। अभिजीत, आपकी एक तो आज की ट्रेडिंग पिक्स चाहिए, उसमें एक बार आप रिलायंस के बारे में बताइएगा कि आज ये वापस चलने वाला है क्या? Well, Limbi, we did discuss about Reliance Industries. काफ़ी अच्छा मूव था फ्राइडे को, hitting its previous swing high. It has played a pivotal role in this last one and a half months in the overall market. And I sense that जिस हिसाब से price momentum volumes is playing out, I think this kind of outperformance will continue from the stock. In terms of picks, I'm looking at a few stocks, three of them. Pidilite Industries is one, jo ek range ke andar hai. The medium term, long term charts are pretty strong. A breakout comes once it takes out that 700 mark on the upside. So that stock can pick up some momentum on this week and probably the next one. Apart from that, Mahindra & Mahindra,
Well, this is an interesting stock because 6 se 7 din it has gone into a complete range. Or ye range, it's just hitting, you know, it's sitting very close to its long-term supports. So I sense ke agar, you know, Friday ka jo high hai, which is close to 1295, let's take a round figure of around close to 1300 ke upar agar sustain hota hai, then we can see a pretty sharp bounce back from the stock. The third one is Dabur. Dabur is also close to its supports, which was seen in mid-March, close to that 270 mark. Supports are holding very well. We saw a nice move on Friday. Friday ka high jo hai close to 278.25, so around 279, 280 ke upar sustain hota hai, then Dabur is also a candidate for a bounce back. Ji, Mr. Sethi, aapke intraday choices kya rahengi? देखिए दीपाली, दो स्टॉक्स तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड करे हैं, एक तो M&M था और दूसरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स भी था। इसके अलावा मैं आज जो ATF के प्राइसेस में जो कटौती हुई है उसका एक बेनिफिशियरी के हिसाब से जेट एयरवेज को पिक किया मैंने, वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा मेटल स्पेस से मुझे लगता है टाटा स्टील में भी आज एक अच्छी तेज़ी रहनी चाहिए, जिस तरह से इनके जो Q4 के वॉल्यूम्स आए हैं बोथ प्रोडक्शन और सेल्स के, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। इसके अलावा मेरी नज़र रहेगी KSCL पे, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बिल्डअप, बहुत अच्छा मोमेंटम देखा गया और कंपनी ने हाल ही में एक ऊँच लेवल पे एक बाईबैक का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल एक तेजी बन सकती है। तो दीज आर द स्टॉक्स टू लुक आउट फॉर। इसके अलावा एक इंडोको रेमेडीज, शायद यहाँ पर नेगेटिव बायस आज के सेशन में दिखे क्योंकि 16 सितंबर को गोवा फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया था USFDA ने और अब यानी ओवर वीकेंड फॉर्म 483 इंडोको रेमेडीज को जारी किया USFDA ने 6 ऑब्जर्वेशन के साथ। अभी क्लैरिटी आनी बाकी है कि ऑब्जर्वेशन मतलब देखना बाकी है कि ये माइनर इन नेचर है या फिर मेजर इन नेचर, लेकिन ऑलरेडी पिछले सेशन में एक तो नेगेटिव बायस के साथ बंद हुआ था और शायद ये कमजोरी आज भी एक्सटेंड होते हुए दिखे। जे एक तो इंडोको रेमेडीज जहाँ पर न्यूज फ्लो भी नेगेटिव है और स्टॉक पिछले सेशन में गिरा भी था, इस पर आपकी राय चाहिए। और एक फार्मा से ही टोरेंट फार्मा, जिसने एक अच्छी एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी फ्राइडे को, दोनों पर क्या व्यू है आपका? श्योर दीपाली, इनफैक्ट जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडोको रेमेडीज ऑलरेडी एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने एक अच्छी अपनी एक सपोर्ट ट्रेंडलाइन सपोर्ट था, उसके नीचे भी एक ब्रेक डाउन दिया है। क्लियरली ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट्स पर, तो मेरा ये मानना है जो हिसाब से ये स्टॉक ने क्लोज दिया है एंड यू नो एक ब्रेक डाउन दिया है बिलो द लेवल्स ऑफ 256, तो क्लियरली एक सपोर्ट नेक्स्ट या तो नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 232 एंड बिलो द लेवल्स ऑफ 232 इट कैन गो इन द टेस्ट द लेवल्स ऑफ 209 एज वेल। तो इस लेवल से मुझे 232 से लेकर 209 तक की जगह नीचे की तरफ लग रही है, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स किसी की पोजिशन हो यहाँ पे बाई साइड पर तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए। अराउंड 289 एक अच्छा कम्फर्ट बनेगा फिर से वो बाई करने के लिए। नाउ एज फार एज द टोरेंट फार्मा इज कंसर्न, ये स्टॉक कंपेरेटिवली दीपाली इसमें एक थोड़ा पॉजिटिव रुझान रहा है, सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में टोरेंट फार्मा में अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। एक 3 वेव करेक्टिव रैली तो खत्म हो चुकी है ये स्टॉक में और आई थिंक ऑन द अपसाइड जब तक जहाँ तक मैं समझता हूँ 1800 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं, जब तक ऑन द लोअर साइड ये स्टॉक 1425 के नीचे क्लोज नहीं देता, दैट इज अ पोजिशनल कॉल। एज फार एज द शॉर्ट टर्म इज कंसर्न, आई थिंक दिस स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 1470, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1470 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट लगभग रहेगा 1648 का। ठीक है अभिजीत, एक साउथ इंडियन बैंक पे आपका टारगेट क्या है आज का या फिर पोजिशनल ट्रेड इस पूरे वीक का? Well, it'll be South Indian Bank, last week's moves was quite impressive. Previous swing high ko break karke, it's sustaining fairly well. Agar ye move extend hota hai on the further upsides, then immediate target nikal ke aata hai close to that 22.2 level. Important resistance hai ye zone, which is close to that 22, and ye upar ke taraf aur extend hota hai close to 23.2. Ye jo 23.2 ka jo zone hai, it has actually failed to take it out for a very long time. In fact, if we look into the charts, April 2015 ke baad, you know, multiple times test karne ka koshish kiya, but it has failed that. Keeping in mind ki, it is holding very well above its moving averages, volumes, price have improved fairly well. Retest hone ka chance bahut high hai. The key important thing is whether it will sustain above that 23 mark or not. Dekh ke lag raha hai that the chances are very high and probably it will inch further up.